चांद से जुड़ी एक बेहद दुर्लभ घटना जिसे सुपर मून के नाम से भी जाना जाता है, 1 अगस्त को दिखाई देने वाली है। सुपर मून को साल में सिर्फ 2 से 3 बार ही देखा जा सकता है। इस साल कुल 4 सुपर मून देखने को मिलेंगे। ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि सुपर मून, फुल मून, ब्लू मून और स्टर्जन मून में क्या फर्क होता है, ये एक दूसरे से कैसे अलग होते हैं। नमस्कार दोस्तों, बोल्ड स्काई में आपका स्वागत है। अगर आपको स्टार गेजिंग यानी रात में आसमान में चांद तारे देखने का शौक है तो आपके लिए एक बड़ी अपडेट है। असल में अगस्त के महीने में आपको एक नहीं बल्कि 2 बार सुपर मून देखने का मौका मिल रहा है। सुपर मून तब होता है जब पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पृथ्वी के सबसे करीब होता है, जिससे ये सबसे दूर की तुलना में 14% बड़ा और 30% ज्यादा चमकीला दिखाई देता है। लोगों को पहली बार 1 अगस्त यानी मंगलवार की शाम फुल मून देखने को मिलेगा, जब ये पृथ्वी से मात्र 357,530 किलोमीटर दूर होगा। वहीं बुधवार 30 अगस्त की रात को ये और नजदीक आ जाएगा, यानी सिर्फ 357,344 किलोमीटर ही दूर होगा। एक ही महीने में जब 2 बार सुपर मून नजर आते हैं तो इसे ब्लू मून के नाम से जाना जाता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि ये आखिर एक दूसरे से कैसे अलग होते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फुल मून की। आमतौर पर फुल मून महीने में 1 बार दिखाई देता है और ये एक चंद्र चक्र के पूरा होने का प्रतीक होता है। फुल मून यानी पूर्ण चंद्र, चंद्रमा की वो कंडीशन जब चांद धरती से पूरा जगमगाता दिखाई देता है। ऐसा तब होता है जब पृथ्वी परिक्रमा करते हुए सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है। दूसरे शब्दों में कहें तो जब सूरज और चांद के बीच 180 डिग्री का कोण बनता है तब फुल मून दिखता है। अब बात कर लेते हैं सुपर मून की। सुपर मून एक शब्द है जिसका इस्तेमाल पूर्णिमा के बारे में बताने के लिए किया जाता है। सुपर मून में चांद रात के समय में सामान्य से ज्यादा बड़ा और चमकीला दिखाई देता है। इसे एक तरह का ऑप्टिकल इल्यूजन भी कहा जा सकता है। इस दौरान फुल मून पृथ्वी के बेहद नजदीक पहुंच जाता है और 14% बड़ा और 30% चमकदार दिखने लगता है। इसके बाद बात कर लेते हैं स्टर्जन मून की। स्टर्जन मून अगस्त में दिखने वाले फुल मून को कहा जाता है। ये नाम नेटिव अमेरिका के लोगों का दिया हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि हर साल अगस्त के महीने में लेक में स्टर्जन मछली बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। अलग अलग संस्कृतियों में हर पूर्णिमा को एक अलग नाम दिया गया है, जो अक्सर उस दौरान देखे गए मौसमी परिवर्तनों, कृषि गतिविधियों और नेचर की घटनाओं से जुड़े होते हैं। इसके अलावा बात करते हैं ब्लू मून की। ब्लू मून उस फुल मून को कहा जाता है जो महीने में 2री बार पड़ रहा हो। जैसा कि आप जानते हैं कि आमतौर पर एक महीने में सिर्फ एक ही बार पूरा चांद नजर आता है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है जब एक ही महीने में 2 बार फुल मून यानी पूरा चांद नजर आ जाए। जब भी ऐसा होता है तो दूसरे फुल मून को ब्लू मून कहा जाता है। हालांकि नाम की तरह ब्लू मून नीले रंग का नहीं दिखता, वो नॉर्मल सफेद रंग का ही होता है। इसका नाम बस कैलेंडर के हिसाब से रखा गया है। फिलहाल ये होता है सुपर मून, फुल मून, ब्लू मून और स्टर्जन मून में फर्क। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।